दोस्तों, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है और आप इस कार्ड से किसी और बैंक कार्ड अप्लाई करके प्राप्त करना चाहते हो, तो आज हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कौन सा कार्ड इसके थ्रू आपको अप्लाई करना चाहिए जो आपको आसानी से मिल जाए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कार्ड से आप जो है HDFC बैंक, SBI, कोटक और एक दो बैंक हैं, अप्लाई करके आप आसानी से कार्ड ले सकते हो। कार्ड टू कार्ड आपको बैंक से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एजेंट से करोगे तो शायद आपका कार्ड टू कार्ड अप्लाई होने में दिक्कत हो, शायद कार्ड अप्रूव ना हो। अगर आप बैंक से करोगे तो शायद आपका आसानी से हो जाएगा। आपका सिटी थोड़ा हाई होना चाहिए। अगर आप किसी गाँव या देहात से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो लिमिट कार्ड की है करीबन हाई 75,000 या तो 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका लिमिट कम रहेगा 20,000 या 25,000 आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको लिमिट इसमें हाई होना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कार्ड टू कार्ड के लिए आपका एक कार्ड का जो स्टेटमेंट है लेटेस्ट, वो आपको देना पड़ेगा और दो फोटो, और इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई भी बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप नहीं लगता है कार्ड टू कार्ड में और आपका आसानी से अप्लाई हो जाता है। मैं आपको बता दूं, कार्ड टू कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जो है HDFC बैंक का अप्लाई करना और इसके बाद SBI भी अप्लाई कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी कार्ड टू कार्ड में सिटी बैंक हो गया, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, कुछ ऐसी बैंकें हैं जो कार्ड टू कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अगर आप एजेंट से अप्लाई करते हो तो लिमिट जो है बहुत हाई होना जरूरी है, करीबन 1 से 1.5 लाख और आपका एनुअल इनकम करीबन 4 से 4.5 लाख होना तभी आपको मिलेगा, वैसे आपको नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों, आप ये सोचते हो कि अगर मैं कार्ड टू कार्ड अप्लाई करूंगा तो मुझे कोई इनकम प्रूफ या कोई ब्यौरा देना पड़ेगा, कोई ब्यौरा नहीं देना पड़ता है, ओनली आपको कार्ड का जो स्टेटमेंट है वही आपको देना पड़ता है। आपका जो कार्ड है करीबन 3 मंथ से लेके 6 मंथ और 1 साल तक के अंडर में आपका ओल्ड होना जरूरी है। अगर आपका 1 मंथ या 1.5 मंथ है तो आपका काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, आपका थोड़ा सा ओल्ड होना जरूरी है। और आपके कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके क्रेडिट कार्ड में ATM से कैश विड्रॉल ना उसमें शो करना चाहिए। सोना चांदी गोल्ड अगर आप परचेस किए हो तो बैंक आपका जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका ऑनलाइन शॉपिंग या पेटीएम में एड मनी ये सब चलेगा, या आप किसी वेबसाइट से पैसा बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो वो भी चलेगा, बट आपका ATM से और कैश विड्रॉल जैसे कि सोना चांदी पे आपका ये कार्ड टू कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी एक्सिस बैंक अच्छा बैंक, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बैंक थोड़ा कार्ड जल्दी देता नहीं है, इसके लिए आपका जो लिमिट है हाई होना जरूरी है। तो मैंने आपको इस वीडियो में इसके बारे में सारी बातें बता दी, समझा दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको इस वीडियो संतुष्टि मिली, से लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।